इन दिनों अवैध रूप से शराब बेच रहे और शराब की तस्करी करने वालों पर अंबाला पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। परिणाम स्वरूप आए दिन अंबाला पुलिस अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर शिकंजा कस रही है। अंबाला शहर की पुलिस ने वेलकम जूस दुकान के मालिक की दुकान पर रेड मारी और भारी संख्या में देशी और अंग्रेजी शराब की बोतल जब्त की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अंबाला शहर स्थित वेलकम जूस की दुकान पर रेड मारी और मौके से अंग्रेजी और देशी शराब की लगभग 80 बोतलें अपनी हिरासत में ली। पुलिस अधिकारी राम कुमार ने बताया कि वेलकम जूस का मालिक विपिन कुमार जूस की आड़ में अवैध रूप से अंग्रेजी और देशी शराब का कार्य कर रहा था, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर रंगे हाथों दर्दबोचा। उन्होंने बताया कि मामले पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगामी कार्यवाही एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ की जाएगी। ये गुप्त सूचना मिली थी कि वो वेलकम जूस वाला था जो विपिन कुमार जी अवैध तौर पर शराब बेचता, तो इस सूचना पर वहाँ पर रेड की गई जो वहाँ से हमें इंग्लिश और देसी शराब की बोतलें मिली जो तकरीबन 80 बोतल के आसपास है। सर क्या कुछ हम कार्रवाई की जाए, लेकिन हम जैसे भी शराब की रिकवरी है एक्साइज एक्ट वगैरह है और जो छोटा सी है और जो शराब बेच रहा है उसकी कार्रवाई की, अभी हम मुकदमा दर्ज करने लग रहे हैं। सर मंडोर में जो शराब मिली थी क्या कैसा कुछ सर, इससे पहले भी कहीं अगर ये इलीगल तौर पर शराब बेचेगा तो कार्रवाई होती रहेगी।